फीडबैक भी डायरेक्ट। इसका फायदा यह हुआ कि हर सरकारी विभाग, हर अफसर अपनी जिम्मेदारी निभाने लगे। अब किसी के लिए गुणा गणित का कोई चांस ही नहीं बचा है। साथियों, जिन दलों ने अतीत में भ्रष्ट और नाकाम सरकारें चलाई, वे आज लाभार्थी का नाम सुनकर तिलमिला जाते हैं। आजादी के इतने साल बाद लोकतंत्र का सही लाभ अब सही मायने में सही लोगों तक पहुंचा है, वरना पहले लोकतंत्र के नाम पर सिर्फ गिने चुने लोगों के हित साधे जाते थे। गरीब की कोई पूछ नहीं थी। भाजपा सरकार में लाभार्थी वर्ग आज सच्चे सामाजिक न्याय और सच्चे सेक्युलरिज्म का उदाहरण बन गया है। हम पूरी ताकत लगा रहे हैं कि हर योजना के आखिरी लाभार्थी को खोजकर, उस तक पहुंचकर उसे योजना का लाभ पहुंचाएं। जानते हैं इसका सबसे बड़ा लाभ क्या हो रहा है? भाई, जब सरकार खुद ही पहुंच रही है तो क्या हो रहा है? कमीशन लेने वालों की दुकान बंद, दलाली खाने वालों की दुकान बंद, घोटाले करने वालों की दुकान बंद, यानी ना कोई भेदभाव और ना ही कोई भ्रष्टाचार। साथियों, बीते 9 वर्षों में हमने सिर्फ एक परिवार और एक पीढ़ी के लिए सिर्फ योजनाएं नहीं बनाई हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुधर जाए, इसको ध्यान में रख करके काम किया है। अब जैसे गरीबों के घर की योजना है, अभी तक देश में 4 करोड़ से अधिक परिवारों को पीएम आवास योजना के पक्के घर मिल चुके हैं। आज भी यहां यूपी के 4.5 लाख गरीब परिवारों को पक्के घर सुपुर्द किए गए हैं। सावन के महीने में महादेव की ये कितनी बड़ी कृपा हुई है। साथियों, जिन गरीबों को ये घर मिले हैं उनकी एक बहुत बड़ी चिंता खत्म हो जाती है, सुरक्षा की भावना उनके भीतर आ जाती है। जिन्हें ये घर मिलता है उनमें एक नया स्वाभिमान जगता है, नई ऊर्जा आती है। जब ऐसे घर में कोई बच्चा पलता है, बढ़ता है, तो उसकी आकांक्षाएं भी अलग होती है। और आपको एक बात मैं बार बार याद दिलाता हूं, पीएम आवास योजना के ये ज्यादातर घर महिलाओं के नाम पर मिल रहे हैं। आज इन घरों की कीमत कई कई लाख रुपए हो गई है। करोड़ों बहनें तो ऐसी हैं जिनके नाम पर पहली बार कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई है। इससे गरीब परिवारों की बहनों को जो आर्थिक सुरक्षा की गारंटी मिली है, ये वो ही जानती है। साथियों, आयुष्मान भारत योजना भी सिर्फ 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज तक सीमित नहीं है, इसका प्रभाव कई पीढ़ियों तक पड़ रहता है। जब गरीब परिवार में कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ता है
तो किसी की पढ़ाई छूट जाती है, किसी को छोटी उम्र में काम करने के लिए जाना पड़ता है, पत्नी को भी रोजी रोटी के लिए निकलना पड़ता है। एक गंभीर बीमारी आई कि कई कई साल तक मां बाप बच्चे बड़े हो जाएं लेकिन शादी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति बीमारी में खस्ता हाल हो जाती है। और गरीब के सामने दो ही विकल्प होते हैं, या तो वो अपनों को अपनी आंखों के सामने जिंदगी के लिए संघर्ष करते देखे, या घर खेत बेच दे, किसी से इलाज के लिए कर्ज ले। जब प्रॉपर्टी बिकती है, कर्ज का बोझ बढ़ता है, तो आने वाली कई कई पीढ़ियां प्रभावित हो जाती है। आयुष्मान भारत योजना आज गरीब को इसी संकट से बचा रही है। इसलिए मैं मिशन मोड पर लाभार्थियों तक आयुष्मान कार्ड पहुंचाने के लिए इतना अधिक प्रयास कर रहा। आज भी यहां से 1,60,00,000 लाभार्थियों को आयुष्मान भारत का कार्ड बंटना शुरू हुआ है। भाइयों और बहनों, देश के संसाधनों पर वंचितों का, गरीबों का सबसे बड़ा हक होता है। पहले बैंक तक पहुंच भी सिर्फ अमीर लोगों की होती थी, गरीबों के लिए तो ये माना जाता था कि पैसा ही नहीं है तो बैंक खाते का क्या करेंगे। कुछ लोग सोचते थे कि गारंटी देने के लिए कोई नहीं है तो बैंक लोन कैसे मिल पाएगा। बीते 9 वर्षों में इस सोच को भी भाजपा सरकार ने बदल दिया। हमने बैंकों के दरवाजे सबके लिए खोल दिए। हमने करीब करीब 50 करोड़ जनधन बैंक खाते खोले। मुद्रा योजना के तहत 50,000 से लेकर 10,00,000 रुपए तक के ऋण बिना गारंटी दिए। यहां यूपी में भी करोड़ों लाभार्थियों ने मुद्रा योजना का लाभ उठाकर अपना काम शुरू किया। इसमें सबसे अधिक लाभ गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक परिवारों से जुड़े साथियों और महिला उद्यमियों को हुआ। यही तो सामाजिक न्याय है जिसकी गारंटी भाजपा सरकार दे रही है। साथियों, हमारे रेहड़ी ठेले पटरी फुटपाथ पर छोटा मोटा व्यवसाय करने वाले साथी भी अधिकतर वंचित समाज से ही आते हैं, लेकिन पहले की सरकारों ने इन साथियों को भी सिवाय अपमान और प्रताड़ना के कुछ नहीं दिया। रेहड़ी ठेले पटरी फुटपाथ पर दुकान चलाने वालों को दुत्कार देता है, गाली देकर चला जाता है, लेकिन गरीब मां का बेटा मोदी इनका यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैंने रेहड़ी ठेले पटरी फुटपाथ पर दुकान करने वाले के लिए पीएम स्वनिधि योजना बनाई है। हमने पीएम स्वनिधि योजना के तहत इनको भी सम्मान दिया है और बैंकों को इन्हें मदद देने को कहा है। जो पैसे पटरी वाले दुकानदारों को बैंक दे रहे हैं उसकी गारंटी भी सरकार खुद ले रही है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अभी तक 35,00,000 से अधिक साथियों को मदद स्वीकृत की गई है। यहां बनारस में भी
आज 1.25 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को स्वनिधि योजना के तहत लोन दिए गए हैं। इस लोन से वो अपना काम आगे बढ़ाएंगे, अपनी दुकान का विस्तार करेंगे, अब कोई उन्हें गाली नहीं दे पाएगा, उन्हें नीचा नहीं दिखा पाएगा। गरीब को स्वाभिमान, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, जिस लोगों ने देश पर दशकों तक राज किया, उनके शासन के मूल में ही बेईमानी रही, और जब ऐसा होता है तो चाहे कितना भी धन इकट्ठा हो तो कम ही पड़ता है। 2014 से पहले भ्रष्टाचारी और परिवारवादियों की सरकारों के दौरान ऐसा ही कारोबार चलता था। बजट की जब भी बात आती थी तो घाटे का, नुकसान का ही बहाना होता था। आज गरीब कल्याण हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, बजट की कोई कमी नहीं है। वही कर देता है, वही सिस्टम है, लेकिन सरकार बदली है, नियत बदली है, तो परिणाम भी बदले दिख रहे हैं। पहले करप्शन और कालाबाजारी खबरों से अखबार भरे रहते थे, अब नए प्रोजेक्ट के शिलान्यास और लोकार्पण की खबरें अखबारों में छाई रहती है। बीते 9 वर्षों में आए परिवर्तन का सबसे बड़ा उदाहरण भारतीय रेल है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी मालगाड़ियों के लिए विशेष पटरियों की योजना 2006 में शुरू हुई थी, लेकिन 2014 तक 1 किलोमीटर ट्रैक भी नहीं बीच पाया था, 1 किलोमीटर भी नहीं। पिछले 9 वर्षों में इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है, इस पर मालगाड़ियां चलना शुरू कर चुकी है। आज भी दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से न्यू सोननगर खंड का लोकार्पण किया गया है। इसे मालगाड़ियों की स्पीड तो बढ़ेगी, पूर्वांचल में, पूरी भारत में रोजगार के अनेक नए अवसर बनेंगे। साथियों, जब नीयत साफ होती है तो कैसे काम होता है, इसका एक और उदाहरण मैं देता हूं। देश में तेज रफ्तार ट्रेनें चले, देश हमेशा ये चाहता था। इसके लिए पहली बार देश में करीब करीब 50 साल पहले राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत हुई, राजधानी एक्सप्रेस चलाई गई। लेकिन इतने साल में भी ये राजधानी एक्सप्रेस सिर्फ 16 रूटों में ही चल पाई है। 50 साल हो गए, सिर्फ 16 रूट। इसी तरह 30-35 साल पहले शताब्दी एक्सप्रेस भी चल पड़ी, लेकिन शताब्दी ट्रेन भी 30-35 साल में अब तक 19 रूटों पर ही सेवा दे रही है। इन ट्रेनों से अलग एक वंदे भारत एक्सप्रेस है, और बनारस के पास तो देश की पहली वंदे भारत का खिताब है। 4 साल में ये ट्रेन 25 रूट पर चलनी शुरू हो चुकी है। आज भी गोरखपुर से 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है। एक ट्रेन गोरखपुर से लखनऊ के लिए चली है और दूसरी अहमदाबाद से जोधपुर रूट पर चली है। देश के मध्यम वर्ग में ये वंदे भारत इतनी सुपरहिट हो गई है कि कोने कोने से इसके लिए डिमांड आ रही है। वो दिन दूर नहीं जब वंदे भारत देश के कोने कोने को कनेक्ट करेगी। भाइयों और बहनों, बीते 9 वर्षों में काशी की कनेक्टिविटी को भी बेहतर करने के लिए अभूतपूर्व काम हुआ है। यहां जो विकास कार्य हो रहे हैं वो रोजगार के अनेकों नए अवसर भी बना रहे हैं। अब जैसे पिछले वर्ष काशी में 7 करोड़ से ज्यादा पर्यटक
और श्रद्धालु आए थे। सिर्फ एक साल में काशी आने वाले पर्यटकों की संख्या में 12 गुना बढ़ोतरी हुई। 12 गुना पर्यटक बढ़े हैं तो इसका सीधा लाभ यहां के रिक्शा वाले को हुआ है, दुकानदारों को हुआ है, ढाबा होटल चलाने वाले साथियों को हुआ है, बनारसी साड़ी का काम करने वाले हो या फिर बनारसी पान वाले, मेरे भाई सभी को इससे बहुत फायदा हो रहा है। पर्यटक बढ़ने का बहुत बड़ा लाभ हमारे नाव चलाने वाले साथियों को हुआ है। शाम को जो गंगा आरती होती है उस समय नावों पर कितनी भीड़ होती है ये देख मैं भी हैरत में पड़ जाता हूं। आप लोग ऐसे ही बनारस को संभाले रहिए साथियों। बाबा के आशीर्वाद से वाराणसी के तेज विकास की यात्रा चलती रहेगी और मैं एक बार काशीवासियों का और भी धन्यवाद करना चाहता हूं। पिछले दिनों काशी में नगर निगम के चुनाव हुए थे, आप सबने विकास की यात्रा को समर्थन किया, विकास में विश्वास करने वालों को जीता करके भेज दिया और काशी में एक अच्छा व्यवस्था खड़ी करने की दिशा में आप लोगों ने जो सहयोग दिया, तो काशी के सांसद के नाते आप सबके इस सहयोग के लिए मैं आज जब आपके बीच आया हूं तो हृदय से आपका आभार भी व्यक्त करता हूं। एक बार फिर आप सभी को विकास कार्यों की बहुत बहुत बधाई और पवित्र सावन मास के अवसर पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। हर हर।